यूज करना है, ISH भी यूज करना है, क्लियर है? तो जब आप जो भी एरिया आएगा तो आप वो एरिया किस पे कंपेयर करोगे, ISHB में जाके कंपेयर करोगे। अभी देखेंगे कैसे। डिजाइन अ सूटेबल ISHB टू कैरी अ लोड, लोड कितना है 410 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे लिख लें गिवन डाटा हमारे पास क्या है, क्या भैया ये गिवन में हमारे पास क्या है, लोड है 410 किलो न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कॉलम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। इससे क्या पता चलता है हमें, एंड कंडीशन मैम, ये एंड कंडीशन है, तो क्या पता चलेगा इससे रोहित, इफेक्टिव लेंथ पता चल जाएगी मैम, कितनी आएगी अगर कैपिटल एल मतलब लेंथ 5 मीटर, तो ये वाली एंड कंडीशन के लिए इफेक्टिव लेंथ मतलब स्मॉल एल कितना होगा, 1L, के कितना हो जाएगा 1 into कैपिटल एल, के हो गया 1 into 5 मीटर, तो ये ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास अगेन 5 मीटर, मतलब अगर मैं इसको mm में कर दूं कितना हो जाएगा 5000 mm, और ये हमारे पास किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में करना होगा तो क्या लिखेंगे इसको, बोलो 10 की पावर 3 मैम, 10 की पावर 3 न्यूटन। अब क्या कर रहे हैं, अज्यूम द सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, देखो क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है, 80 MPa, तो मतलब सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप बताइए क्या होगा, सबसे पहला डाटा ये सब गिवन है, सबसे पहला स्टेप क्या बताया, ये डिजाइन का न्यूमेरिकल है तो उस हिसाब से बताओ हमें क्या चाहिए क्या नहीं है हमारे पास, हमें ये भी पता है ISHB सेक्शन है, उस पे लोड कितना लग रहा है वो भी पता है, क्या चाहिए, एरिया, सही बोला समीना, एरिया चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होगा, एरिया इक्वल्स टू लोड अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेस, वैल्यू बता सकते हो कौन सी किस में क्या जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन से, सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, हाँ जी, लोड कितना है हमारे पास, ये लोड ये रहा ना, गिवन है ना, यस मैम, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितने है, कितना है 80 मैम, हाँ तो कहीं इसमें ये मत लिख देना 250 मत करना पेपर में, ठीक है, हम लोगों को विदिन मतलब हमें सेफ मेंबर चाहिए तो हम लोग सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लेकर चलेंगे, ठीक है, वो 250 बाद में देखेंगे जब हमें एक्चुअल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं यूज होगा, 80 लेकर चलना है हमें, 80 newton per mm square, कितना आएगा वैल्यू 5125 mm square, right? Yes, अब ये 5125 mm square में आपको पता है ना SP16 में हमारी ये वैल्यू किस में होती है, एरिया की, mm में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा 5125 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेशन क्लियर है, ये 0.25 क्यों लगा, mm को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया है, पता है ना, यस मैम, 1 centimeter में 10 mm होते हैं, तो mm स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में किया, तो इसीलिए 2 points आगे चला गया, चलिए, तो अब ये एरिया कितना है 5125, मेंबर कौन सा यूज करने को बोला है इसने हमें, ISHB, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इस पॉइंट तक, यहां पे कुछ पूछना हो
अच्छा आप बताओ अब नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, हमें SP16 देखना रहेगा, हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है, 51.25 है सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक ये इमेज दिख रही है क्लियर? यस मैम। अरे इसके ऊपर वो नहीं चलेगा क्या? आपको इस पे पेन नहीं चल रहा मेरा, आपको ये इमेज में यहाँ पे नीचे दिख रहा है, एरो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? यस मैम। ठीक है, हमारा कितना था एरिया? 51.25 एच बी हमें चूज करना है। आपको लगभग आप 51.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास देखो कौन सा पड़ेगा। यहां से हम एरिया चेक करते हैं। 54.94। ये रहा, ये आपका हो गया 52.05 वाला। ठीक है, दिस इज 250। ठीक है, लेकिन ये कौन सा है? डब्ल्यू बी। क्या हम ये चूज कर सकते हैं कि नहीं? अगर मानो एक चीज, अच्छा अगर मेरे को एक चीज बताओ कि ये तो चलो क्योंकि क्यों नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, राइट? कौन सा यूज करना है? एचबी वाला। ठीक है, तो हम अभी कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये वाला नहीं प्रेफर करेंगे, हमें कॉलम के लिए चाहिए। लोड के कंसीडर करते हैं, हम यहाँ पे ISHB वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है वैसे इमेज दिख रही है? यस मैम। ठीक है, अब ये रहा आपका ISHB 225, ये कितना है? 59.66। ठीक है, और ये आपका है ISHB 225, इसका एरिया कितना है? 54.94। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पे देखो 54.94 वाला जो है 225 वाला, ये अगर आप कंपैरिजन करोगे 51.25, अगर आप 50.94 देखो ISHB 200, तो जो ये वाला 50.94 वाला ये चूज कर सकते हो कि नहीं? नहीं, हमारा 51 नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो है वो कितना है? 51.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ISHB 200 का ही सिंगल सेक्शन है, आप एज अ सिंगल सेक्शन डिजाइन कर रहे हो, तो आप ISHB मतलब सेफ रहता है, जो हमारी हैवी बीम्स रहते हैं वो क्या होते हैं? सेफ रहते हैं, तो इसलिए हम HB प्रेफर कर लेते हैं। लेकिन अगर सिंगल सेक्शन है, लेंथ भी ज्यादा नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोडिंग है, तो उस केसेस में हम लोग, आप लोग WB वाला भी देख सकते हो, लेकिन बस कंडीशन क्या होगी, आप एरिया चेक करोगे उसका। ठीक है, कि आपका जो एरिया है, जो आपका एक्चुअल आ रहा है, आप उससे ज्यादा लोगे। क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए अभी फिलहाल हमें जो कंडीशन नोट डाउन करनी है, हमने यहां से देखेंगे ये रहा कहां गया, ISHB 225, कौन सा वाला ले रहे हैं हम लोग? 422.8, 54.94 उसका क्या है? एक्चुअल एरिया है। और क्या चेक करना है आगे हम लोगों को? RXX एंड RYY। अच्छा, एक वैल्यू है 9.80 और एक वैल्यू है 4.96, तो हम कौन सी चूज करेंगे? 4.96, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू पिक करनी है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे आई निकालने की जरूरत है हम लोगों को? नो मैम, क्योंकि ये क्या है, सेक्शन यूज हो रहा है, हमारा बिल्टअप सेक्शन नहीं है। अगर बिल्टअप सेक्शन होता तो उस केस में हम लोगों को निकालना पड़ता। क्लियर है? यस मैम। यहाँ पे लिख लो जो डाटा अभी देखा हमने, कौन सा चूज किया? ISHB 225 एट द रेट 422.8 न्यूटन पर मीटर, यही वाला चूज किया है? यस मैम।
उसका एरिया कितना था? 54.94 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको एमएम में कर दे तो कितना हो जाएगा? 5494 एमएम स्क्वायर. जो हमारा एरिया आया था 5125 एमएम स्क्वायर, ये हमें उससे ज्यादा लेना था. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से मिनिमम वैल्यू कौन सी थी? आर एक्स एक्स था 9.80 सेंटीमीटर और ये कितना था आर वाई वाई? 4.90 सेंटीमीटर. हमें कौन सा पिक करना है? मिनिमम वाला. कौन सा मिनिमम हुआ? 4.90. इसको एमएम में चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा? 49. इट इज नॉट जीरो, इट इज सिक्स. 49.6 mm. क्लियर है? ये हमने टेबल से नोट डाउन किया. एचबी क्यों पिक किया? क्योंकि इन लोगों ने हमें क्लियर कट यहाँ पे गिवन है. ठीक है, नहीं गिवन होगा कई केसेस में तो आप एरिया से कंपेयर कीजिएगा. आप ISMB भी यूज कर सकते हैं, बस आपको देखना रहेगा एरिया कितना है, जो एरिया आया है वो कितना है. क्लियर? क्वेश्चन में अगर HB यूज करने को बोला है देन यू विल यूज ISHB ओनली. ठीक है, और चेक करोगे अगर इन केस मान लो अगर आपने ISMB यूज कर लिया. ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ. इन केस वो आपका एरिया के हिसाब से सेफ भी नहीं आता. ठीक है, जब आप चेक करोगे, मान लो हमारा केस क्या हो जाता है कि जो हमारा जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी वो किससे चली जाती है? आपकी लेस चली जाएगी ए से, सॉरी ए बोल रही हूँ, जो आपका लोड एक्चुअल में एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, तो आपका वो सेक्शन क्या होगा? सेफ नहीं होगा. तो आप दोबारा क्या करोगे? आप MB वाला छोड़ के कोई और सेक्शन पिक करोगे. क्लियर है? ऐसे केस भी होगा. एक न्यूमेरिकल में आपको भेजूंगी, देखना उसका रिजल्ट. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यही वाला केस कर रहे हैं, HB वाला. तो अभी पहले HB वाला देखते हैं. जब ये 49.6 mm आया, हमने ये पिक किया, देन आर मिनिमम ये हमारा है आर वाई वाई वाला, हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लैम्डा निकालेंगे, एल बाय आर मिनिमम. एल हमारा कितना था? 5000 mm अपॉन आर मिनिमम 49.6 mm. कितना आएगा? 100.80. ठीक है, ये आ गया. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? हमें क्या निकालना है? लेमडा आ गया, एफ वाई हमें पता है एक्चुअल में जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 250. ठीक है, हम 250 के कॉरेस्पॉन्ड अपना क्या निकालेंगे? सिग्मा AC. कैन यू, आप लोगों के पास वो इमेज होगी, कैन यू चेक द टेबल कहां पे लाई करेगा? लेमडा आया 100.80, तो ये आपका लाइक किस पे, किसके बीच में करेगा? 100 और 110 के बीच में. ये वाले वैल्यू 100 और 110 के बीच में लाइक करेगी. कैन यू ओपन दैट टेबल? मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देती हूँ. ये आपका कहाँ पे लाइक करेगा? लैम्डा 100. इधर लैम्डा कितना आ गया? 110. इसके कॉरेस्पॉन्ड सिग्मा AC कितना है? टेबल अगर जब आप 250 के लाइन में जाके देखोगे 80.72. न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा AC के कॉरेस्पॉन्ड 72. अब देखो ये हमारी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? यहाँ पे 100.80. हम इसके कॉरेस्पॉन्ड सिग्मा AC निकाल ले. कैसे करेंगे? इंटरपोलेट करेंगे. ये आपका क्या हो जाएगा? X1 के कॉरेस्पॉन्ड Y1, दिस इज X2 के कॉरेस्पॉन्ड Y2, और ये क्या हो गया हमारा X. यहाँ पे हमें क्या चाहिए? Y. फाइन, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप इंटरपोलेट करते हो Y-Y1 upon X-X1 equals to Y2-Y1 upon X2-X1.
जब आप इसको पुट करोगे चेक करो कितना आ रहा है। आया सबका? माइनस कर देना ये वाली एक्स, ये एक्स में से एक्स वन माइनस करोगे तो समथिंग आएगा 0.81 इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन माइनस एट, एक्स टू माइनस एक्स वन 10। सॉल्व करोगे तो सिग्मा ए सी यहाँ से आ जाएगा समथिंग, कितना बोला समीना? 79.36। Okay. आपका ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एसी, क्लियर है? सिग्मा एसी 79.36 आया, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसका एक्चुअल स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब ये मेंबर सेफ लोड कितना कैरी कर सकता है जो हमने चूज किया है। तो ये किसके बराबर होगा? सिग्मा एसी इनटू एरिया, कौन सा एरिया यूज करोगे? ट्रायल सेक्शन का, आई सेक्शन का, मतलब ये वाला, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, जो फर्स्ट स्टेप में निकाला था वो वाला नहीं यूज करना है, ये वाला यूज करना है जो मेंबर चूज कर रहे हैं, क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना। सिग्मा एसी हमारा कितना आया? 79.36 इंटू एरिया, एरिया कौन सा? ये वाला है, ठीक है, एमएम स्क्वायर में लेंगे, कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी किस में है, यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, टेबल के ऊपर ही लिखा हुआ है ना वहाँ पे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और ये कितना हो गया, एमएम स्क्वायर में ही लेंगे सेम यूनिट्स में, 5494। करना जरा मल्टीप्लाई, बाकियों का आ रहे हैं? 4361625 जो भी है मल्टीप्लाई करके देख लेना, जिसका भी मैच कर रहा होगा तो देख लेना। अब इन शॉर्ट आपको क्या देखना है, ये वाली वैल्यू, इसको जब किलो न्यूटन में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो गया 437, या फिर फनीश आपका 436 कुछ आ रहा है? यस मैम, 436162.56। चलो लेट इट बी 436, जो भी होगा 437 या 436, जिसका जो आ रहा होगा, जो सही होगा वो देख लेना। इसको कंपेयर किससे करना है, 410 किलो न्यूटन से, क्योंकि एक्चुअल में जो लोड एक्ट कर रहा है आई सेक्शन के ऊपर वो कितना है, 410, और जो हमने मेंबर चूज किया उससे जो सेफ लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, 436, ठीक है? तो क्या 436 पॉइंट जो भी वैल्यू है किलो न्यूटन ज्यादा है 410 से? यस मैम। तो क्या सेफ है? यस मैम, क्योंकि जो एक्चुअल में इसकी स्ट्रेंथ आई है वो इतनी आई है और जो लोड लग रहा है वो 410, तो जो स्ट्रेंथ आई है वो ज्यादा आई है, इसलिए हमारा ये मेंबर क्या है, सेफ है। तो ये मतलब इतना एक्सियल लोड 410 ही कैरी कर सकता है। इज इट क्लियर? यस। चलो ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल हो गया। अब एक न्यूमेरिकल मैं तुम लोगों को भेज रही हूँ विद सॉल्यूशन, उसको प्लीज एक बार देखो, ठीक है? अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से तुम्हारा बीम वाला चैप्टर शुरू करवाऊंगी,